हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के क्लास में। और आज हमारा क्लास है क्लास 11 का फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का, और हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन। देखिए, इससे पहले हमने ग्रेविटेशन के टू पार्ट्स पढ़े हैं। क्लास 11 का इंग्लिश मीडियम का लाइव क्लास भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इवनिंग में 9 PM में। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स लाइव क्लास में नहीं आ पाते हैं, रिकॉर्डेड क्लास पसंद करते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास हमारा आगे चल रहा है। और ये ग्रेविटेशन का पार्ट है, बहुत दिनों से हमने इस पर क्लास नहीं लिया था, बीच में आप लोग का एग्ज़ाम सब डिस्टर्ब हुआ, तो अब हम इस क्लास को कंटिन्यूस कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपने द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी पढ़ा, स्मॉल जी के वैल्यू में कितने तरीके से परिवर्तन हो सकता है। आज हम इस चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आपको 12th क्लास में भी काम आएगा, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पर। ओके, तो नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक। एंड स्टार्ट करने के पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि अनअकैडमी ने निपुण बैच लॉन्च किया है। ये जो बैच है वो कम्प्लीटली नीट 2022 के प्रिपरेशन के लिए है। नीट 2022 के प्रिपरेशन के लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। और इस कोर्स में हम आपको कम्प्लीट नीट के सिलेबस को 11th क्लास प्लस 12th क्लास, और साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिर नीट के लेटेस्ट पैटर्न पर आपके टेस्ट सब कंप्लीट प्रोवाइड कराएंगे आपको। यह क्लास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया गया है इस बैच को। और इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स से आपको पढ़ने को मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आप मुझे देख रहे हैं। मैं इस बैच में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये 28 जुलाई से ये कोर्स स्टार्ट हो गया है। ओके, राम अवतार बंदीवाल सर पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी, और गौरव केजरीवाल सर पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री। तो ये एक बहुत ही बेस्ट बैच है, बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इस बैच में आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, इसलिए कम्प्लीटली देखो, अभी तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोई अलग से बहुत अच्छा क्लास नहीं मिल पाता, कंटेंट्स का प्रॉब्लम है, बहुत तरह के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को नीट के प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आता है। इस बात को ध्यान में रख के अनअकैडमी ने यह बैच लॉन्च किया है, निपुण 2022। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बैच में इनरोल होइए, और इस बैच से रिलेटेड आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। यदि इस बैच में आप इनरोल होते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, मेरा रेफरल कोड है, यहाँ पर नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा रेफरल कोड यदि आप यूज़ करेंगे जितेंद्र सर लाइव, जितेंद्र सर लाइव पूरे कैपिटल लेटर में विदाउट एनी स्पेस, जितेंद्र सर लाइव मेरा रेफरल कोड है। यदि आप इस कोड को यूज़ करके इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताया, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके, नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक। चलिए हम अब आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आप इसके पहले के क्लास यदि नहीं रिवाइज किए हैं तो मेरा सजेशन है कि आप सबसे पहले इसके टू पार्ट को रिवाइज कर लो। दोनों पार्ट आप रिवाइज एक बार कर ही लो और फिर आप इसमें एंटर करो, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इस चैप्टर का लगभग एंड का टॉपिक है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखें
ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, आपको मालूम है कि अर्थ, अर्थ का के पास ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटी होती है, और अर्थ से जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं, अर्थ के डिस्टेंस से आपने पढ़ा है वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, इफ हाइट इज इंक्रीजेज देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीजेज एंड एट द सर्टेन हाइट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्या होता है कि एक सर्टेन हाइट में जाएं हम तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो इसके सराउंडिंग में इसके चारों तरफ जहाँ तक ये मैंने राउंड किया यहाँ तक ग्रेविटेशन है और इसके बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जीरो है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में उसके चारों तरफ जहाँ तक ग्रेविटेशन का फोर्स होता है वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद जो कॉन्सेप्ट अपने को समझना है वो है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इट्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके किसी पॉइंट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, देखो आप ध्यान से समझना। सपोज हम इमेजिन करते हैं कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई यूनिट मास का पार्टिकल है, सपोज ये यूनिट मास पार्टिकल है एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम अर्थ का मास है और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने इमेजिन किया कि सपोज वहाँ पर एक यूनिट मास का पार्टिकल, तो यूनिट मास का पार्टिकल पर जितना फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई ऑन यूनिट मास पार्टिकल इन एनी ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो ये इस पर जितना फोर्स अप्लाई होगा, दैट मीन्स सिंस वी नो दैट फोर्स बिटवीन टू मास पार्टिकल इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। बट इफ सेकंड मास पार्टिकल इज यूनिट, सपोज ये जो दूसरा मास पार्टिकल है वो यूनिट हो जाए, देन दैट कंडीशन द फोर्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाई आई, आई फॉर इंटेंसिटी, देन आई इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। दैट मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट मास पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट मास पार्टिकल इन एनी ग्रेविटेशनल फील्ड, एनी पॉइंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ कोई यूनिट मास पार्टिकल जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है या उस पर जितना फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। देखो और यहाँ पर यदि हम दोनों साइड में स्मॉल एम मल्टीप्लाई कर दें, सपोज हम दोनों साइड में स्मॉल एम का मल्टीप्लाई कर दें तो एम इंटू आई इक्वल टू ये हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर, देयरफॉर अगेन हम इसको एम इंटू आई इक्वल टू इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, इस तरीके से भी हम इसके फार्मूला को लिख सकते हैं। तो यह कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू एम इंटू आई आर आई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटेंसिटी क्या होता है, ये आपको जानना है, ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है। इसके बाद हमको पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में पूरे कॉन्सेप्ट यूज होना है। ओके, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो ये जितना टॉपिक अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्लास ट्वेल्थ में, ये क्लास ट्वेल्थ में मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रिसिटी में ये अगेन यूज़ होगा। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये पूरी टर्मिनोलॉजी, ये पूरे टर्म्स, ये पूरे सिचुएशन वहाँ पर एज इट इज़ वर्क करते हैं। इसलिए हमेशा मैं 11th क्लास में पढ़ाते समय बोलता हूँ कि आपको इस क्लास में उसको ऐसा तैयार करना है कि 12th जब आप पढ़ो ऐसा लगे कि आपका रिवीजन हो रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क। ये इस पर एक वर्क के इक्वल होता है, लेकिन कौन सा वर्क है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और यह होता है माइनस डब्ल्यू अपॉन एम। यहाँ माइनस साइन क्यों यूज किया गया है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन एम। ये एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में सपोज मैं यूनिट मास पार्टिकल को, ये कोई यूनिट मास पार्टिकल है, और इस यूनिट मास पार्टिकल को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाना चाहता हूँ, तो ऐसा करने के लिए जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा वो कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दैट मीन्स यहाँ पर हम देखें तो इफ़ यहाँ पर मैंने कंडीशन अप्लाई किया, इफ़ एम इक्वल टू यूनिट, इफ़ एन इक्वल देन वी इक्वल टू डब्ल्यू, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ वर्क। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट मास पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, एनी पॉइंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। दैट मीन्स यूनिट मास पार्टिकल को इन्फिनिटी, दैट मीन्स अननोन पॉइंट, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड पॉइंट, इन्फिनिटी क्या है, एक नॉट डिफाइंड पॉइंट है, तो उस पोजिशन से यहाँ तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ओके, तो एम इक्वल टू वन हो तो वी इक्वल टू डब्ल्यू होता है, ध्यान में रखना। यहाँ माइनस साइन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि माइनस साइन क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड पर जब हम किसी पार्टिकल को लाते हैं तो हमको वर्क नहीं करना पड़ता, वहाँ पर वर्क क्या है, ऑटोमेटिकली होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ उस बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे इसको हम इधर लाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स के कारण हमको वर्क नहीं करना पड़ता, ये बॉडी ऑटोमेटिकली अटैच होता है। दैट मीन्स हियर अमाउंट ऑफ वर्क इज निगेटिव, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव वैल्यू। ओके, V इक्वल टू डब्ल्यू, एक बार और ध्यान से डेफिनेशन आप सुनो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट मास पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो फाइनली आई नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क। कभी भी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सुनने को मिले तो तुरंत समझ जाना कि वह एक वर्क होता है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो न्यूमेरिकल्स बनाते समय कहीं पर वर्क की जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सर ये तो वर्क है, वर्क इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इफ़ वर्क ऑन एनी यूनिट मास पार्टिकल, यदि वर्क यूनिट मास पार्टिकल पर हो रहा हो दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अब हम यहाँ पर अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं, तो नेक्स्ट पेज में अपन देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, इट्स कैलकुलेशन, मतलब इसका हम कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। तो चलिए हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का पोजिशन है, अर्थ का मास हमने कैपिटल एम ले लिया, और सपोज इस पॉइंट को हमने ओ सपोज कर लिया, तो ओ पोजिशन पर अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इसके कारण हम किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो नाउ लेट अस कंसीडर पी इज द पॉइंट वेयर वी कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पी पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, अब सपोज कर लेते हैं कि सपोज इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से अर्थ से इस पॉइंट का डिस्टेंस सपोज क्या है, आर है, ये हमने आर डिस्टेंस पर इसको सपोज कर लिया। अब हम क्या किए, ग्रेविटेशनल फील्ड में टू नियरेस्ट पॉइंट सपोज कर लिए, ए एंड बी, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज सपोज डी एक्स, क्योंकि कभी भी हमको जब इन्फिनिटी से लाने में वर्क निकालना है तो पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क मिल जाएगा। ओके, तो नाउ लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर टू नियरेस्ट पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज स्मॉल डी एक्स एंड द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम अर्थ इज सपोज एक्स। नाउ कैलकुलेट इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी,
पी पॉइंट पर हम चाहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखते हैं कि बी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ कैलकुलेट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल, पूरा लिख दें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चलो 60 में लिख दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू अभी हमने क्या फार्मूला देखा, जी कैपिटल एम अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम दिस इज एक्स, तो यह आएगा एम अपॉन एक्स स्क्वायर, आई इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पी पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी होगा, बी पॉइंट पर सॉरी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिख दिया मैंने यहाँ पर, एट पॉइंट बी सॉरी बी, बी पॉइंट पर हमने सबसे पहले ग्रेविटेशनल सॉरी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया, इंटेंसिटी। देयरफॉर वर्क डन, अब हम क्या करेंगे, वर्क डन काउंट करेंगे फ्रॉम बी टू ए, यूनिट मास पार्टिकल को, यूनिट मास पार्टिकल को बी से ए तक ले जाने में कितना वर्क निकालना करना पड़ेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो देयरफॉर वर्क डन, वर्क डन टू मूव ए यूनिट मास, यूनिट मास फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक ले जाने में कितना वर्क होगा, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज सपोज डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हियर वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हियर इंटेंसिटी इज फोर्स बिकॉज मास इज यूनिट मास पार्टिकल, जब बॉडी यूनिट मास पार्टिकल का होता है तो यूनिट मास पार्टिकल के लिए जो फोर्स है वो इंटेंसिटी कहलाता है, और यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे माइनस, क्योंकि वर्क क्या होता है निगेटिव, दैट इक्वल इसका वैल्यू हम पुट अप कर दें किसका, आई का, यहाँ से तो हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, लेकिन हमको क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क होता है ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, टोटल वर्क डन टू मूव इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर, अब हम यहाँ पर किसी पॉइंट को कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, दैट मीन अननोन पॉइंट से लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा दैट इज सपोज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल डी डब्ल्यू, क्यों, क्योंकि डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, ये छोटा छोटा वर्क है जो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया, यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया जो वर्क है उसको हमने डी डब्ल्यू लिया है, लेकिन हमको चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, तो इंटीग्रेशन मतलब होता है सम। आप सबको मेरा सजेशन है कि आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर वगैरह ढंग से नहीं बनता तो आप मैथमेटिकल टूल्स के हमारे जो वीडियो हैं जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, ये आप जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि जब तक आपको फिजिक्स मैथमेटिकल टूल्स स्ट्रांग नहीं होगा आप फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हर स्टेप में कहीं कैलकुलस, कहीं वेक्टर, कहीं पर एलजेब्रा, कहीं ट्रिग्नोमेट्री, ये यूज़ होते रहता है, तो हमने इसके लिए वीडियोज़ बनाए हैं वो आप वहाँ से देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दैट इक्वल यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन हम उसको कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आर लेके आ रहे हैं, तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी होएगा, अपर लिमिट क्या होएगा आर, इन्फिनिटी टू आर। अब हम डी डब्ल्यू के यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इज माइनस जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, जी एम कॉन्स्टेंट है इसको हम बाहर कर देंगे विथ साइन, और x का हम करेंगे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के, क्योंकि जो रेस्पेक्ट होता है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, बाकी क्वांटिटी कॉन्स्टेंट होती है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर w इक्वल टू माइनस जी कैपिटल m एंड इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर वन अपॉन एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो यह हो जाएगा डी एक्स। ये क्या होएगा, डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर में लेके गया तो वो हो गया x टू द पावर माइनस टू डी एक्स। ओके, नाउ इंटीग्रेट दैट इक्वल टू
माइनस जी कैपिटल एम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस टू का एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन। ये सब प्रैक्टिस आप मैथमेटिकल टूल से करिए। इन्फिनिटी टू आर ये इंटीग्रेशन होगा दैट इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम। अब क्या होगा देखो ये माइनस हुआ तो माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा एक्स टू द पावर माइनस वन इन्फिनिटी टू आर। ओके ये माइनस माइनस मैंने यहाँ से प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ से आएगा माइनस वन। इसको हम वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं दैट इक्वल ये हो जाएगा जी कैपिटल एम वन अपॉन एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। नाउ पुट अप द वैल्यू अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट। तो जी कैपिटल एम अपर लिमिट इज आर वन अपॉन आर माइनस लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी ये हो जाएगा दैट इक्वल यहाँ से हम इसको अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख सकते हैं वी तो हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पर एक काम करना यहाँ पर स्टार्टिंग से आप ये माइनस को नहीं लोगे। सपोज इस माइनस को आप छोड़ दो तो लास्ट में आपका माइनस आएगा। इस माइनस को लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन हम वहाँ पर पुट अप कर देंगे लास्ट में अपने आप माइनस आएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी है लोगे या वहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पर लिमिट को चेंज करना होता है। ठीक है तो ये माइनस आप यूज़ मत करो ये माइनस यूज़ मत करो। यहाँ पर आप माइनस यूज़ नहीं करोगे तो अपने आप माइनस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ये ध्यान रखना। तो ये वाला जो माइनस है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया तो माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है ध्यान रखना ना। कई लोग समझ नहीं पाते वन अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो इसलिए क्या हो गया ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई जीरो हो गई। तो माइनस जी एम अपॉन आर इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये कैलकुलेशन आपको करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके तो ये जो मैं आज टॉपिक बता रहा हूँ आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसके बाद हमको इसमें पढ़ना होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अलग से डेरिवेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है आप उसको इसी में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दे दूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा थोड़ा ध्यान देना। पीछे अभी हमने क्या किया उस पार्टिकल को कहाँ से लाया इन्फिनिटी से आर तक लाया। क्लियर इन्फिनिटी से आर तक लाया। अब यदि उसको हम क्या करें जीरो टू आर लेके आए उसको दैट मीन्स उसको अर्थ के रेडियस मतलब अर्थ के रेडियस के अकॉर्डिंग उस पर जो वर्क करना पड़ेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है अभी हमने इंटेंसिटी यूज़ किया है ये इंटेंसिटी यूज़ किया है। जब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तब आप इंटेंसिटी की जगह में क्या यूज़ कर लेना फोर्स यूज़ कर लेना। जब आप फोर्स कर लोगे वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं मास को यूनिट लेते हैं लेकिन जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन एनी मास पार्टिकल करते हैं तो वहाँ पर हम फोर्स यूज़ करेंगे और उस कंडीशन में यहाँ पर आपको एम मिलेगा यहाँ पर फिर आपको स्मॉल एम मिल जाएगा फिर यहाँ पर भी स्मॉल एम मिल जाएगा। देखो इसी मैं करेक्शन करके आपको बता रहा हूँ फिर सब जगह आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ ये आपको साथ में स्मॉल एम मिलेगा। मैं कलर चेंज करके यहाँ पर लिख दिया दोनों टॉपिक एक साथ आप तैयार कर लेना ये स्मॉल एम मिल जाएगा ये स्मॉल एम और ये जो निकाल लोगे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा दैट मीन्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यहाँ पर स्मॉल आर को आप कैपिटल आर भी लिख सकते हो रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आपको दो टॉपिक तैयार नहीं करने पड़ेंगे आपको दो टॉपिक नहीं तैयार करना पड़ेगा आपको एक ही टॉपिक में तैयार हो जाएगा बस इसीलिए मैंने कंपेरिटिव आपको बता दिया। इसको ध्यान से समझो जब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर ये एम नहीं लिखोगे स्मॉल एम क्योंकि उस समय इंटेंसिटी यूज़ करोगे लेकिन जब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो जहाँ पर मैंने ये ब्राउन कलर से जहाँ जहाँ पर मैंने आई के जगह में लिखोगे एफ और ये डी एक्स तो एफ का वैल्यू जी एम एम अपन आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एफ का वैल्यू जी एम एम अपन आर स्क्वायर होता है एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर। ओके तो सेम टॉपिक से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर लोगे इसके लिए आपको दो बार कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो कंपेरेटिव आप उसको स्टडी कर लोगे आप जब नोट्स बनाओगे अभी तो एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नोट्स बनाना
फिर मेरे लेक्चर को दोबारा रिपीट करके आप एक बार और नोट्स बनाना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वहाँ स्मॉल आप एम यूज़ करोगे। ओके, तो ये ग्रेविटेशन का मेरा जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल्स आपको अलग से मिलेगा, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स आपको पहले प्रोवाइड कराऊंगा, फिर बाकी न्यूमेरिकल्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ सैटेलाइट। केप्लर्स के जो सैटेलाइट के रूल्स हैं वो किसी बुक में ग्रेविटेशन में दिया रहता है, किसी में सैटेलाइट में दिया रहता है, मैं आपको उसको मोशन ऑफ सैटेलाइट पर पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर का आप इंतजार कीजिए, मोशन ऑफ सैटेलाइट। और यह जो रिकॉर्डेड मेरा क्लास है, कंटिन्यूअस आपको मैं सिलेबस पूरा करूँगा इसमें। साथ ही आप ध्यान रखिए कि मेरे लाइव क्लास भी चल रहे हैं जो इवनिंग में 9 PM में चलते हैं, इंटरनेट फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्लास ज्वाइन करिए। ओके ओके, थैंक यू।